हेलो दोस्तों, मैं राकेश सिद्धराज अपने यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम लोग भारत के प्रमुख जलप्रपात के बारे में पढ़ेंगे। यह बहुत ही कंट्रोवर्सी सब्जेक्ट है, टॉपिक है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत घुमा घुमा के पूछते हैं, इसलिए कोशिश करेंगे कि आप धीरे धीरे समझ समझ के याद करते चलिएगा, और कुछ कुछ पॉइंट समझने का वो आराम से समझिएगा, ठीक ने। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए ठीक है, आपके सामने एक क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात चौड़ाई के दृष्टि से, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात आयतन के दृष्टि से, भारत का सबसे ऊंची जलप्रपात, भारत का कौन सा जलपात को नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जानते हैं। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं पीसीएस एग्जाम में, बिहार दरोगा में, एसएससी में, रेलवे में, ये सब में पूछे गए हैं। आपको ये सब बनाना है और पूरे जलप्रपात के बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं वीडियो को। देखिए, आपने सुना होगा वर्ल्ड वाटर फॉल्स डाटाबेस। क्या सुने हैं आप लोग? वर्ल्ड वाटर फॉल्स डाटाबेस के अनुसार, ये इनके अनुसार सबसे बड़ा जलप्रपात जो कि चौड़ाई के दृष्टि से है वो कौन सा है? जोग या गर्सोप्पा? कौन सा है, जोग या गर्सोप्पा? गर्सोप्पा, जोग या गर्सोप्पा, जिसको महात्मा गांधी जलप्रपात भी बोलते हैं, महात्मा गांधी जलप्रपात इसी का नाम है। किस नदी पर है ये? किस नदी पर है जोग या गर्सोप्पा? तो ये शरावती नदी पर है। किस नदी पर है? शरावती नदी पर। क्वेश्चन नदी से भी पूछे जाते हैं, शरावती नदी पर है। कहाँ है? कर्नाटक में। कर्नाटक में क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? जोग, गर्सोप्पा जलप्रपात, जिसको महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाने जाते हैं, शरावती नदी पर है, कर्नाटक में स्थित है, जो कि चौड़ाई के दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात है। किनके अनुसार? वर्ल्ड वाटर फॉल्स डाटा बेस के अनुसार से। फिर दूसरा पॉइंट, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात आयतन के दृष्टि से, आयतन के दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? देखिए, कावेरी नदी पर है शिव समुद्रम। शिव समुद्रम, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर, ठीक है। कावेरी नदी पर है भारत का शिव समुद्रम जलप्रपात, जो कि कहाँ है? ये भी कर्नाटक में ही है। चलिए, तीसरा पॉइंट आपका है भारत का सबसे ऊंची जलप्रपात। सबसे ऊंची जलप्रपात में कंफ्यूजन बच्चे लोग का दो है। एक सबको लगता है ना, एक एक पहला है नागा, क्या है? नोह कालीकई, नोह कालीकई। कंफ्यूजन में दूर कर दूंगा आज, ठीक है। इसका एक नोह कालीकई है, दूसरा कुचिकल है। क्या है? कुचिकल, कुचिकल जलप्रपात। देखिए, नोह कालीकई है जो मेघालय में है, मेघालय में है, और कुचिकल जो है वो कर्नाटक में है। दोनों का चर्चा मैं करूंगा, दोनों का ऊंचाई के बारे में चर्चा करूंगा। देखिए, नोह काली, जो WWFD के अनुसार नोह काली का ही भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना गया है। क्यों माना गया? क्योंकि ये देखिए, जल यहाँ देखिए, आप यहाँ समझने का प्रयास करिए। ये जलप्रपात जो है इस तरह से जमीन पर गिर के डायरेक्ट नीचे गिर रहा है, और इसकी ऊंचाई अगर जोड़ लिया जाए यहां तक का तो नोह काली कही है, लेकिन जब डायरेक्ट गिरने की बात आती है तो कुचिकल, ठीक है। तो विश्व डाटाबेस के अनुसार एक पीसीएस में एग्जाम भी पूछा गया था, तो नोह काली कही को ही भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना गया था, ठीक है। ये पूर्वी खासी पहाड़ी मेघालय में स्थित है। कहाँ है? पूर्वी खासी पहाड़ी मेघालय में। और ये कुचिकल जलप्रपात जो कहाँ है वो कर्नाटक में स्थित है, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। फिर आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। भारत का कौन सा जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात बोलते हैं? तो देखिए, नियाग्रा जलप्रपात बोलते हैं किसको? चित्रकूट जलप्रपात को। कौन सा जलप्रपात को? चित्रकूट, चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात को हम भारत का नियाग्रा जलप्रपात बोलते हैं, जो कि इंद्रावती नदी पर स्थित है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, इंद्रावती नदी पर है। कहाँ? तो ये छत्तीसगढ़ में। कहाँ है?
छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी पर है चित्रकूट जलप्रपात। ठीक है, ये भारत का कौन सा जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं? तो ये भारत का नियाग्रा जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात है। तो आपने इस वीडियो में क्या सीखा? इस वीडियो में अब यहाँ तक आपने सीखा कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात चौड़ाई की दृष्टि से जोग या गढ़सोक्का है, जिसको महात्मा गांधी जलप्रपात भी बोलते हैं, शरावती नदी कर्नाटक में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जो कि आयतन की दृष्टि से शिव समुद्रम जलप्रपात है, जो कि कावेरी नदी पर है, ये भी कर्नाटक में है। फिर तीसरा है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात नोह कालीकई, नोह कालीकई है जो कि मेघालय में है। ये WWFD डाटा अनुसार है, इसलिए इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, क्वेश्चन आए तो इसी को मार देना है। ठीक है, ये कहाँ है? मेघालय में। फिर क्वेश्चन ये भी पूछता है कि भारत, हो सकता है नोह कालीकई आपके ऑप्शन में ना रहे, तो कुचिकल मार के निकलना है, क्योंकि कुचिकल का ऊंचाई 455 मीटर, अभी तक में सबसे ज्यादा इसी का दिया हुआ। ठीक है, 455 मीटर ऊंचाई के साथ सबसे ज्यादा भी इसी का दिया हुआ, लेकिन नोह कालीकई का जो है, जो रेंगते रेंगते ऊपर से ज्यादा आता है, अब गिरता है तो थोड़ा सा कम हो जाता है, 400 मात्र 35 बचता है। ठीक है, लेकिन फिर भी सबसे ऊंचाई वाला कौन हो जाएगा? नोह कालीकई, इतना याद रखिएगा। बाकी अब हम लोग एक एक करके हम लोग सभी के बारे में अब देख लेते हैं कि कौन सा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। चलिए चलिए, तो सबसे पहले कर्नाटक से ही शुरू करते हैं, क्योंकि कर्नाटक में बहुत सारे जलप्रपात हैं। कर्नाटक से ही शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, कर्नाटक में नंबर एक कुचिकल, कुचिकल जलप्रपात चाथाउ, दूसरा जोग, जोग या गरसोप्पा, जोग या गरसोप्पा जिसको महात्मा गांधी भी जलप्रपात भी बोलते हैं, तीसरा, तीसरा देख लीजिए कौन सा था, शिव समुद्रम, कर्नाटक से इतना आप याद कम से कम रखिए। ठीक है, फिर मगोड़ भी है। ठीक है, ये सब भी कर्नाटक में ही है, सिर्फ कपिल धा, ये क्या बोलते हैं, गोकक है, लेकिन चलिए ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन चाहे तो याद कर सकते हैं। चलिए ठीक है, कर्नाटक का लगभग ये तीन आपको याद होना चाहिए, कुचिकल भी याद होना चाहिए। कुचिकल किस नदी पर है? तो बराह नदी पर है, क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए हम बता दिए हैं, बराह नदी पर है। जो गरसप्पा के बारे में मैंने चर्चा कर दिया किस नदी पर है, तो ये शरावती नदी पर है। शिव समुद्रम का भी चर्चा हो गया है, शिव समुद्रम किस नदी पर है? एक कावेरी नदी पर है, क्वेश्चन पूछता है इसलिए हम आपको ये लिख दिए हैं। ठीक, फिर मेघालय में चलते हैं। मेघालय में जलप्रपात जो है, मेघालय, मेघालय में का भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, मेघालय में नोह कालीकई के बारे में आप लोग अभी थोड़ा चर्चा किए हम लोग, नोह कालीकई, नो काली कई यहाँ से इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, कुचिकल की लंबाई भी चाहे तो लिख सकते हैं, 455 मीटर, 455 मीटर। ठीक, फिर दूसरे नो काली कई का लंबाई 400 कितना था? 335 था, 335 मीटर था, लेकिन लेकिन ये जो रेंगते हुए आ रहा है उसका भी ऊंचाई जोड़ के डाटाबेस निकाला है, WWFD निकाला था, इसलिए सबसे ऊंचा ये हो गया था। चलिए ठीक है, यहाँ हो गया आपका। एक उड़ीसा में है, देखिए उड़ीसा में एक है, उड़ीसा के मयूरभंज में एक, बारह लिखिए, एक उड़ीसा में है, इसको लिख लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से क्वेश्चन, बरेही पानी, बरेही पानी, बरेही पानी जलप्रपात कहाँ है? उड़ीसा में है, उड़ीसा में, उड़ीसा में बरेही पानी जलप्रपात। ठीक, यहां से अगर क्वेश्चन हो जाए, देखिए एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए जो कि गोवा और कर्नाटक के बीच में है, इसलिए मैं इसका अलग से लिखवा रहा हूँ, कर्नाटक में नहीं जोड़ा हूँ, ताकि आप क्वेश्चन दरोगा के एग्जाम में पूछा गया था कि ये दूध सागर जलप्रपात कहाँ स्थित है, इसका नाम है दूध सागर।
क्या नाम है? दूध सागर। कहाँ है ये? गोवा और कर्नाटक के बॉर्डर पर है। गोवा और कर्नाटक, गोवा और कर्नाटक के बॉर्डर पर है दूध सागर जलप्रपात। चलिए, इतना आपका लिए इम्पोर्टेंट है, आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक, और बहुत इम्पोर्टेंट है इसलिए आपको हम ये बता रहे हैं, ठीक। चलिए फिर आप देख लीजिए, वो एक जलप्रपात है धुआंधार जलप्रपात, ये भी छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में धुआंधार, धुआंधार जलप्रपात, ठीक, धुआंधार जलप्रपात, ये सॉरी मध्य प्रदेश के जबलपुर में है, ये मध्य प्रदेश एमपी में, इसको आप छत्तीसगढ़ से काट लीजिए, एमपी से कर लीजिए, ठीक। एमपी किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर, क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, ठीक। और ये था दूध सागर जो था मांडवी नदी पर था, मांडवी नदी पर क्वेश्चन अगर पूछे तो इसमें ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन आपको लगभग क्लियर हो गया है, क्या क्या पढ़े हैं इस पॉइंट में, क्या क्या पढ़े हैं? कर्नाटक के में पढ़े हैं कुचिकल, जोगगर्सोप्पा जिसको महात्मा गांधी बोलते हैं, और शिवसमुद्रम, तीनों का नदी पढ़े हैं। वो कुचिकल था बरह नदी पर था, और जोगगर्सोप्पा शरावती नदी पर था, कावेरी ये शिवसमुद्रम कावेरी नदी पर था। ये नौ काली कई पर्वत है, एक पर्वत से ही गिरता है, पूर्व खासी पहाड़ी, पूर्व खासी पहाड़ी, पूर्व खासी, गोरा खासी जयंतिया का नाम सुने होंगे, जो मेघालय में है, उसी पहाड़ी पर से, खासी पर से नौ काली कई गिरती है, ठीक है। और बारह पानी, बारह पानी जो है उड़ीसा में है, इसकी भी ऊंचाई आप जान लीजिए, इसकी 399 मीटर, 399 मीटर इसकी ऊंचाई है, बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है, बारह पानी, बरे ही पानी उड़ीसा में है, ठीक। धुआंधार देख लिए आप, नर्मदा में है, दूध सागर गोवा और कर्नाटक में। चलिए इतना आपका हो गया, तो अब आगे हम लोग चलते हैं, ठीक, आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट जलप्रपात है आपका, एक बिहार में है ककोलत, चाहे तो प्लीज लीजिए, ककोलत, सॉरी ककोलत, ककोलत जलप्रपात बिहार में, इतना आपको याद होना चाहिए। देखिए मध्य प्रदेश में है कपिल धारा, मध्य प्रदेश में है कपिल धारा, क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से, मध्य प्रदेश में कपिल धारा था, और धुआंधार भी यही था, धुआंधार भी पढ़ाए थे, धुआंधार भी यही पढ़ाए थे मध्य प्रदेश में ही। चलिए ठीक, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट देख लेते हैं। महाराष्ट्र में है एक कूने जलप्रपात, इसको भी आप पढ़ लीजिए, कूने, जहां से क्वेश्चन पूछता है सिर्फ मैं उसी का चर्चा कर रहा हूं, कूने जलप्रपात कहाँ है? महाराष्ट्र में। पुणे जलप्रपात कहाँ है? महाराष्ट्र में है। चलिए ठीक, फिर आप देख लीजिए चेन्ना उन्ना जो है, चेन्ना जो है ये सब महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में ही था, लेकिन क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया था। देखिए हुंडरू से क्वेश्चन पूछा गया है, हुंडरू कहाँ है? तो ये झारखंड में है, हुंडरू, हुंडरू जलप्रपात झारखंड, हुंडरू जलप्रपात झारखंड में है, क्वेश्चन यहां से पूछा गया है, ठीक। गोकक जानते हैं, गोकक के बारे में हम बताए थे कि कर्नाटक में है, लेकिन उतना जरूरी नहीं था इसलिए हम लोग उसको नहीं लिखवाए थे, ठीक है, चाहे तो आप लिख सकते हैं, या तो आपका इच्छा, ठीक। तो आपने क्या क्या अभी तक देखे? अब आपने देख लिए हैं, यहां तक देख लीजिए, सबसे बड़ा देखें, सबसे बड़ा देखें, सबसे बड़ा जलप्रपात कौन था? सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जगरसोपा, किसकी दृष्टि से? चौड़ाई की दृष्टि से सबसे बड़ा में, और देखे थे सबसे बड़ा में आयतन की दृष्टि से देखे थे तो शिव समुद्रम, शिव समुद्रम, ठीक है। फिर सबसे ऊंचा देखे थे, सबसे ऊंचा, ऊंचा में कन्फ्यूजन आपको था, ऊंचा में दो था, एक एक था नौ काली कई, नौ काली कई,
और एक था कुचिकल, एक था कुचिकल, कुचिकल। तो कुचिकल जो था कर्नाटक में था, नोकाली कहीं था, मेघालय में था। ठीक है, कुचिकल की ऊंचाई अभी तक का सबसे ऊंचाई के मामले में 455 मीटर दिया है, लेकिन ये जो है ये गिर गिर के घिसिक घिसिक के जो ऊपर से आया है ना पहाड़ी से, तो ये इसी का ऊंचाई सबसे ज्यादा माना जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग आंसर मार दीजिएगा नोहकाली कई को। ठीक, हालांकि जहाँ से डायरेक्ट गिर रहा है वहां से इसकी ऊंचाई मात्र 335 मीटर है, लेकिन इसका 355 है, लेकिन कारण क्या था कि जैसे ये पर्वत है, ये पर्वत ऐसे यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ ये गिर गिर के नहीं, टघर टघर के आया और यहाँ से डायरेक्ट गिर गया, तो जोड़ रहा है ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक जोड़ रहा है नोहकाली कई का, तो 335 पुर रहा है, लेकिन जब ये जोड़ देगा तो बहुत ज्यादा पुर जाता है। ठीक है, इसलिए इसलिए WWFD के अनुसार सबसे ऊंचाई नोहकाली कई को ही माना है, ये सब पूरा जोड़ लिया, जबकि कुचिकल 400 455 है, लेकिन क्या है 455 है तो ये डायरेक्ट गिर रहा है यहाँ से यहाँ तक 455 ये पूर रहा। तो क्वेश्चन आपके ऑप्शन के अनुसार आप देख लीजिएगा एक बार कि नोहकाली कई क्या ऑप्शन दिया है, तो ठीक है, नहीं तो फिर कुचिकल हम लोग मार के निकल लेंगे। ठीक, कुचिकल किस नदी पर था ये सब आपको सब याद होना चाहिए जहां तक हो। ठीक, और भी चाहिएगा तो आप भी बोल सकते हैं कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट लगभग इतना था, बाकी आप याद करना चाहें तो बहुत सारा जलप्रपात है, जैसे मगोर जलप्रपात कर्नाटक में है, चेन्ना चेन्ना मध्य प्रदेश में है नर्मदा नदी पर, चेन्ना जलप्रपात जो है ये नर्मदा नदी पर है। ठीक है, याद करे तो ठीक है, बहुत सारा है, उड़ीसा में डुडुम्मा है, ठीक है, जोड़ाड़ा है जो भी उड़ीसा में है, बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर है, ये याद कर लीजिएगा थोड़ा सा, बिहार जलप्रपात, बिहार जलप्रपात जो है टोंस नदी पर है, किस नदी पर है, टोंस नदी पर है, क्वेश्चन पूछे गए थे इसलिए आप इसको भी याद रख लीजिएगा। तो ये आपको लगभग चुलिया, देखिए चंबल पर है, चुनासा भी चंबल पर है, चुलिया चुनासा और चंबल, ये चुलिया और चुनासा ये दोनों क्या है, चंबल नदी पर है, जबकि चेन्ना जो है नर्मदा नदी पर है। ये तो थोड़ा सा ये सब क्वेश्चन हल्का सा डिफिकल्ट है याद करने में, लेकिन याद हो जाएगा, कोशिश करिएगा। तो ठीक है, आपका डाटा जो है इम्पोर्टेंट है, बस डाटा पर पकड़े रहिए और जो क्वेश्चन आता है तो मार दीजिए। ठीक है, तो सबसे चलिए ठीक है, इसी के साथ वीडियो को थोड़ा सा अब आराम करते हैं, वीडियो को समाप्त करते हैं, यदि आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट था पॉइंट इतने ही से आ जाएंगे आपके एग्जाम में, और इतना पॉइंट आपको याद होना चाहिए, हमेशा याद होना चाहिए। ठीक, नदी किस नदी पर है, उसकी ऊंचाई जो जो इम्पोर्टेंट था उसका ऊंचाई बताएं, उसका ऊंचाई याद कर लीजिएगा, जिस जिस नदी पर है जिस राज्य में है वो याद कर लीजिएगा। ठीक, चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, धन्यवाद।